मेरे बच्चे, हर वक्त क्यों विचारों में घिरे रहते हो? मन को इतना क्यों परेशान करते हो? जो चीजें होनी भी नहीं है उनके बारे में सोच सोच कर अपने रातों की नींद खराब कर रखी है। क्या मुझ पर विश्वास नहीं? मेरे बच्चे, जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो, चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो, कुछ बातें भगवान पर छोड़ दो, सब कुछ सुलझाने की कोशिश मत करो। आपको अपने जीवन के अगले कदम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बस मुझ पर भरोसा और कड़ी मेहनत की जरूरत है। मैं आपके रास्ते पर सही लोगों को जगह दूंगा, मैंने आप पर नजर रखी है और हमेशा आप पर नजर रखूंगा। आपका मन ही आपका दुश्मन है जो आपको चैन से नहीं रहने देता। अगर उस मन में मेरा नाम भर लोगे तो ये मन आपका मित्र बन जाएगा। ये मन बुरे विचारों की तरफ नहीं भागेगा, इस मन को मैं काबू में कर लूंगा। मेरे बच्चे, अगर मालिक ने तेरी जिंदगी में कुछ परेशानियां डाली हैं तो हल भी तो वही करेगा। रख भरोसा उस मालिक पर जो तेरी राह में कांटे तो रख देगा पर तुझे चलने नहीं देगा उस राह पर। ये भक्तों को परखने का एक तरीका होता है। मेरे बच्चे, तुम सब कुछ मेरे चरणों पर रख दो और डर से मुक्त होना सीख लो। अगर तुम ये समर्पण की भावना सीख जाओगे तो मन से डर चला जाएगा। तुम मेरी ओर अग्रसर होते चले जाओ, जिसका परिणाम ये होगा कि तुम्हारा मन में खुशियाँ आ जाएंगी, दर्द चला जाएगा। और मेरे बच्चे, वृद्धि या उन्नति कोई एक रात में पा सकता है? ये तो एक सफर है जो तय करना होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि श्रद्धा और सबूरी रखो। श्रद्धा की लो जगाओगे तो उस लो में मेरा दर्शन पाओगे। मैं उतना स्पष्ट नजर आऊंगा जितना तुम मेरे करीब आओगे। हिम्मत मत हार मेरे बच्चे, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो। मेहनत करोगे तभी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, पर हार कभी मत मानो। जीवन एक यात्रा है, रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जीने से कब पूरी हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तुम कई बार ये क्यों सोचते हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ तभी तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां हैं? नहीं मेरे बच्चे, मुझे खोने का डर कभी मत रखना। मैं जब अपने भक्त के जीवन में प्रवेश करता हूँ तो मैं उस भक्त को कभी नहीं छोड़ता, मैं अपने भक्त का सदा हो जाता हूँ। इसलिए तू चिंता मत कर, मैं तेरी राह के कांटे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी, बहुत जल्दी आएंगी मेरे बच्चे।